हेलो एवरीवन, इट्स आयुष भैया। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं लोगों को लाता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली तगड़ी कंपनीज को क्रैक किया है। वो कंपनी सर्विस बेस्ड भी हो सकती है, प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकती है। आपने फर्स्ट वीडियो को देखा और काफी प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहना जिससे मैं और आगे ऐसे लोगों को लाता रहूं। सो यार, आज की वीडियो में मैंने एक और अपने दोस्त का इंटरव्यू लिया है जिसका नेम है अंजलि। इन्होंने रिसेंटली अभी हैप्पीएस्ट माइंड को क्रैक किया है और अभी कुछ दिनों में हैप्पीएस्ट माइंड को ज्वाइन भी कर लेंगी। आज वीडियो में मैंने पहले गुडीज को अनबॉक्स किया जो अंजलि को मिली हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से, उसके बाद उनसे टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जिससे अगर आप इंटरेस्टेड हो हैप्पीएस्ट माइंड या ऐसी किसी कंपनी में जाने के लिए तो आपको एक तरह से रोड मैप पता चल जाए कि आपको फॉलो करना है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला ये, अगर पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो पहले बात करें तो एक बॉटल है जो कि जस्ट अभी लाए, इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया हम लोगों ने, तो ओपन करके देखते हैं कैसी है बॉटल। तो जैसे आपको याद होगा गूगल क्लाउड में भी ऐसी बॉटल मिलती है, वैसी बॉटल है ये। यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का लोगो है और काफी प्रीमियम लुक है यार बॉटल में, तो ऐसी कुछ बॉटल आपको देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो एक माउस आपको इस पर्टिकुलर बैग में देखने को मिलेगा जो कि जेब्रोनिक्स का है, और यार यही सेम माउस मेरे पास भी है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छा ये परफॉर्म करता है। तो सेकंड गुडीज में हम लोगों को माउस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं और क्या है इसमें। और थर्ड गुडीज में अपनी ये डायरी है जिसमें यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का लोगो है, और इसमें भी काफी प्रीमियम लुक है यार। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ डायरी है यार, तो ये भी आपकी काफी काम आएगी अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को ज्वाइन करेंगे तो। और लास्ट में एक पेन भी दिया है हैप्पीएस्ट माइंड ने जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड का एज यूजुअल लोगो है। तो ये कुछ गुडीज थी यार। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये बैग काफी सही है यार, इसमें प्लास्टिक यूज नहीं है, बाकी आप इसमें सब्जी एंड ऑल ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये हम लोग को पेन देखने को मिलेगा, और ये अपनी डायरी, ये माउस, और फाइनली ये बॉटल। तो यार ये कुछ हैप्पीएस्ट माइंड की गुडीज थी, आपकी फेवरेट कौन सी थी मुझे कमेंट करके बताना। अब चलिए आपको इंटरव्यू शो करते हैं। तो यार आपने इंट्रो तो सुन लिया, आप अंजलि से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने क्रैक करी हैप्पीएस्ट माइंड। तो यार कंपनी के बारे में बात करने से पहले ये पूछ लेते हैं कि आज का दिन कैसा था आपका। आज पूरे दिन काफी हसल रही। पहले तो जब आ रहा था तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, उसकी वजह से लेट हो गया, फिर उसके बाद सेटअप करने में और वो काफी लेट हो गया, तो ऑल इन शॉर्ट काफी हसलिंग है। आई होप आपने BTS देख लिया होगा कैसे हम लोगों ने ये सब सेटअप किया है, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए अगर हो तो लाइक कर देना। तो यार चलो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि हैप्पीएस्ट माइंड एज ए कंपनी आपको कैसी लगती है। अभी तक जितने रिव्यूज और मैंने खुद पढ़ा है उसके हिसाब से तो काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं मुझे। काफी ग्रोइंग कंपनी है, अभी ग्रोइंग लेवल पे है, काफी वेलकमिंग एनवायरनमेंट है उसका, और वुमेन्स के लिए तो एशिया में बहुत ही अच्छे लेवल पे है कंपनी। तो इन शॉर्ट अभी तक जितने रिव्यूज और ग्लास डोर पे मैंने रिव्यूज देखे हैं काफी अच्छे। और एक बात और है कि लाइक मुझे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में पता चला था जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग मैंने शुरू करी थी 2 साल पहले, तब वो पहली कंपनी थी IT कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, तो वो फंडामेंटली बहुत तगड़ी कंपनी है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक आपको कैसे इसके बारे में पता चला, अप्लाई कैसे किया, राउंड कितने थे, ये सब समझते हैं। मैंने तो ऑन कैंपस अप्लाई करा था, कॉलेज के CR सेल से मुझे पता चला था, फिर मैंने अप्लाई करा था। बेसिकली इसमें 3 राउंड थे, पहला रिटर्न राउंड था, उसमें वो MCQ राउंड था, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल और DSA के MCQs थे। उसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होना था, तो उसका रिजल्ट रिटर्न एग्जाम के बाद 15 डेज का टाइम था, 1-2 वीक्स में रिजल्ट आ गया था। काफी एक्साइटमेंट थी रिजल्ट की कि आएगा नहीं आएगा, काफी डाउटफुल था, लेकिन फिर लकीली हो गया। और फिर उसके बाद HR और MR राउंड था उसके बाद, और हम लोग को ये नहीं पता था कि पहले HR होना है कि MR होना है, क्योंकि वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तो हम लोग को लगा कि पहले MR राउंड होगा, लेकिन फिर मेरे इंटरव्यू में मैं प्रिपेयर करके गई थी टेक्निकल राउंड के लिए, लेकिन फिर टोटली कम्प्लीटली HR राउंड। और इंटरव्यू बहुत ही ईजी था, पूरे में उन्होंने सिर्फ नॉर्मल बेसिक HR क्वेश्चंस पूछे थे, फिर उसको क्लियर करने के 3-4 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। और फिर उसके बाद MR राउंड, MR राउंड में बेसिकली वो सिचुएशन बेस्ड या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने मुझसे, वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, उसमें उन्होंने मुझसे पैटर्न बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उन्होंने मुझसे नॉर्मल DSA के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कोडिंग क्वेश्चन में भी काफी इजी था, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, मीडियम और इजी लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस ये कंपनी पूछती है। और उन्होंने मुझसे पूछा था टू रिवर्स अ स्ट्रिक, और रिवर्स करनी है, और मैंने बोला स्लाइसिंग से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, स्लाइसिंग नहीं, किसी और मेथड से। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने कर दिया था सॉल्व। फिर उसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि जैसे स्ट्रिंग दी हुई है, फ्रूट्स के नेम है, तो सबकी क्वांटिटी भी बतानी है।
तो एक ये कोडिंग क्वेश्चन हो गया था बस, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आर यू एबल टू रिलोकेट इन बैंगलोर, फिर बस क्योंकि बैंगलोर में ही इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर, तो इसीलिए बस, तो यही था। फिर इसका भी एक हफ्ते के अंदर ही शायद रिजल्ट आ गया था, तो ओवरऑल बस तीन राउंड थे। तो यार MR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजरियल राउंड। और जैसे मैम ने बताया कि इनसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, इतने टफ वाले, बट डिपेंड करता है, जैसे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली लक के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये लक थी कि उतने टफ नहीं गए। बाकी आप इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस गीक्स फॉर गीक्स, क्लास डोर, इन पे देख सकते हैं। और जितना मुझे पता चला है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इजी से मीडियम लेवल तक ही होते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपकी प्रोफाइल कौन सी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ज्वाइनिंग कब से? ज्वाइनिंग जुलाई में बैंगलोर के ऑफिस में, वैसे तो इसकी ऑफिस नोएडा पुणे में भी है, लेकिन इन्होंने जो हमारे कॉलेज से रिक्रूटमेंट करा था वो सिर्फ बैंगलोर वाले ऑफिस। और ये प्लेसमेंट आपकी ऑन कैंपस थी ना? यस। और अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो तो कहाँ से कर सकता है? आप लिंक्डइन पे जो जॉब प्रोफाइल्स हो उससे कर सकते हैं, और बाकी हैप्पीएस्ट मैन की कैरियर साइट से जाके कर। अब फाइनल क्वेश्चन जो काफी लोग सुनना चाह रहे होंगे, लाइक बेसिकली अगर किसी को स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन करना है तो उसे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी पाइथन या जावा, C++, तीनों में से, और DSA तो बैकबोन है यार, अगर आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो DSA इज मस्ट। और यार एक और चीज, लाइक HR में आपसे क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे? बेसिक HR क्वेश्चंस, जैसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर जो रिज्यूमे से था, जैसे आपने हॉबीज में जो लिखा होगा, जैसे कि मैंने ट्रैवलिंग और राइटिंग लिखा था, तो उससे रिलेटेड की क्या क्या है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था जैसे व्हाई शुड वी हायर यू, और हाउ कैन यू बी एन एसेट टू आवर कंपनी, व्हाट यू कैन ऐड एक्स्ट्रा, व्हाट आर दी स्किल्स यू हैव, तो अपने स्किल्स को एक्सप्लेन करा था काफी डीप में, और हाउ कैन यू बी एन एसेट टू आवर कंपनी, हाउ कैन यू ऐड अवर, इफ वी वांट कैन यू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। तो सो यार आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास कोई और ऑफर्स हैं इसके अलावा? हाँ, मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं प्लस एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि ऑफ कैंपस थी। पहली कंपनी मैंने हैप्पीएस्ट ही क्रैक करी थी, फिर उसके बाद मेरा टेक महिंद्रा में भी हुआ, और फिर HCL वो भी ऑफ कैंपस थी, और एक इंटर्नशिप भी ऑफ कैंपस। कौन सी प्रोफाइल में, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोफाइल आपको याद है? हैप्पीएस्ट में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और टेक महिंद्रा में इंजीनियर ट्रेनी, और HCL में भी एसोसिएट इंजीनियर। सो यार सारे मैंने मेन क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, और जो दूसरी कंपनीज मैंने क्रैक करी हैं अगर उनके बारे में आपको जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उससे रिलेटेड भी एक इंटरव्यू मैम के साथ अरेंज कर दूंगा। अब अगर मैं आखिरी में इसको रैप अप करूं तो सिंपल चीज ये है यार कि आपके एप्टीट्यूड स्ट्रांग होने चाहिए, दूसरी चीज आपको बेसिक HR क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपकी DSA एटलीस्ट बेसिक लेवल की तो होनी चाहिए, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एक चीज और मैं ऐड करूंगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर ऊप्स की हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो यार अपनी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, आपको पता है क्या करना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।